सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर संसद के दोनों सदनों में पक्ष और विपक्ष में जमकर दलीलें रखी गईं। गृह मंत्री अमित शाह ने इस विधेयक को पेश करते हुए कहा कि हमारे पड़ोसी ने नेहरू और लियाकत अली के बीच हुए समझौते को माना होता तो हमें आज इस बिल को पेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आखिर क्या है नेहरू लियाकत अली समझौता जिस पर दोनों देशों ने किए थे दस्तखत, देखिए हमारी रिपोर्ट। 15 अगस्त 1947, भारतीय इतिहास में ये वो दिन था जो खुशी और गम दोनों लेकर आया। देश में इस बात की खुशियां थी कि हमें आजादी मिल गई है, लेकिन गम इसे लेकर था कि देश अब दो हिस्सों में बट गया है। देश का बंटवारा हो चुका था और इसके बाद शुरू हुआ नागरिकों का पलायन। हिंदू और सिख बड़ी संख्या में भारत शरण लेने पहुंचे, तो बड़ी संख्या में मुसलमानों ने भारत छोड़ नए मुल्क में शरण ली। कुछ ही दिनों में 10 लाख से ज्यादा लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क चले गए। इसे इतिहास में सबसे बड़ा नागरिक पलायन भी कहा गया, लेकिन इस दौरान भी कई हिंदू और मुसलमानों ने अपने देश को नहीं छोड़ा। भारत में करोड़ों मुसलमान बने रहे और यही स्थिति पड़ोसी देश में हिंदुओं की थी, लेकिन इन लोगों को अपने अपने देशों में शंका की नज़र से देखा जाने लगा। अल्पसंख्यकों के बीच डर का माहौल था और इस डर को दूर करने के लिए 2 अप्रैल 1950 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पड़ोसी मुल्क के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के बीच बातचीत शुरू हुई। इसके 6 दिन बाद 8 अप्रैल 1950 को एक समझौते पर दस्तखत हुए। इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते की जो मुख्य बातें हैं उनमें दोनों सरकारें अपने अपने देश में रहने वाले अल्पसंख्यकों की नागरिकता और जीवन की सुरक्षा एवं उनकी संपत्ति के समान अधिकार को सुनिश्चित करेंगी, बुनियादी मानवाधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगी। इन बुनियादी अधिकारों में कहीं आने जाने की आज़ादी, विचार और अभिव्यक्ति की आज़ादी और धर्म की आज़ादी शामिल है। अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए एक अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया जाएगा। अवैध तरीके से कब्जाई गई अल्पसंख्यकों की संपत्ति उन्हें लौटाई जाएगी। अल्पसंख्यकों के खिलाफ किसी भी तरह का कुप्रचार नहीं चलने दिया जाएगा। अगर अल्पसंख्यकों को कोई समस्या हुई तो दोनों सरकारों की जिम्मेदारी होगी कि देर किए बगैर उनकी समस्याओं का समाधान करें। दोनों देश एक दूसरे की अखंडता पर सवाल खड़ा करने वाले प्रचार को बढ़ावा नहीं देंगे। केंद्र की मोदी सरकार का आरोप है कि जिस समझौते पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए उसका पालन पड़ोसी देश द्वारा नहीं किया गया, जिस कारण से हमें नागरिकता संशोधन विधेयक लाना पड़ा है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।